हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो चलें जी, बनाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पर ऑलिव ऑयल पैन को, इसके साथ कर लेते हैं थोड़ा ग्रीस, इतना सा काफ़ी होगा। गार्लिक को भी मैंने क्रश कर लिया और ये भी इसके अंदर डालती हूँ। बिल्कुल लाइट सा इसको हम ऐसे एक आते एक दो सेकंड के लिए आगे पीछे करके बस लें जी। इसको हिला जुला लिया है, अब हम इसके अंदर एग डालते हैं। ये गए एग्स, थोड़ा सा मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर लूँ। ये हो गया एक राउंड सा, ऑलमोस्ट बन गया है। चलें जी, और अब मैं इसमें सारे स्पिनच सेट कर देते हैं साइड्स में। ये बेबी स्पिनच मैंने लिए, कुछ मैं कर देती हूँ, कुछ खुद हो जाएगी ऐसे ही कुछ होगा। अब जी इसके ऊपर जाएगा ब्लैक पेपर और सॉल्ट, वो भी मैं इसके ऊपर डालती हूँ। वो मैं आपको दिखा नहीं सकती एक हाथ से, कैमरा को भी तो फ़ोन को भी तो पकड़ा हुआ है ना मैंने। ये देखें जी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी किया इस पर। अब इसको मैं लिड से करती हूँ कवर 2 मिनट्स के लिए, ज़रा ये थोड़ा सा सारा एडजस्ट हो जाएगा। चलें जी, इसकी लिड हटाते हैं और चेक करते हैं। वाओ, रेडी डेडी है। इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें जी, थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा आपको का बाद में दिखाती हूँ। सो फाइनली ये आ गया है प्लेट में। तो ये रहा जी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये वली और मैं ब्रेकफास्ट करते हैं अब, और वली साहब यहाँ पर बना रहे हैं जी कॉफ़ी साथ में। आज वली मेरे लिए और अपनी मम्मा अपने लिए और मम्मा के लिए कॉफ़ी बनाएगा। आपको एक और चीज़ चेक करवाती हूँ कि ये देखें, मैं एक नॉर्मल इनके स्टोर से लेके आई हूँ, लिडल मार्केट से। तो देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, अंगूर लिखा हुआ है। मुझे खुद नोटिस हुआ है तो मैं हैरान हूँ। और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना वो हनी भी ले लेते हैं। और देखें जी, यहाँ पर वली साहब कॉफ़ी भी बना के ले आए हैं और हमारे ये नाश्ते की फाइनल लुक। तो चलें, मिलती हूँ बाद में आपसे, बाय बाय। आज थोड़ा मौसम अच्छा हुआ तो मैंने सोचा ज़रा स्टैंड को बाहर निकालती हूँ। मैंने स्टैंड को बाहर निकाला तो धूप साहिब जो है धूप गायब हो गई बिल्कुल। उसने कहा कि बस मैं तो जा रही हूँ, स्टैंड बाहर आ गया। और यहाँ पर रखे हुए जी कुछ कपड़े फोल्ड करने वाले, कुछ तो नहीं मुझे लगता है, कुछ ज़्यादा ही है। ये देखें, मैंने आपको बैग से चेक करवाया ना, उस तरफ से धूप गायब हो गई है सारी, लेकिन फ्रंट पे देखें क्या मज़े का मौसम है भाई। अच्छी सी धूप खुल खुल आके निकली हुई है। और जी यहाँ पर आदम भी किंडरगार्टन से आ गया है और आदम साहब की डिमांड है कि मुझे पास्ता खाना है। और देखें पास्ता भी आदम ने पैकेट खुद खोला है। आदम किससे खोला है पैकेट? ये छुरी के साथ है जी। ये छुरी चेक कर लें इसकी शेर है फॉर बी चीज सीजर। हाँ ये चेक करें, ये खुद डालेगा। ओ माई गॉड, ये देखें जरा इसके काम चेक करें। ये देखें क्या डिजास्टर हो रहा है। बहुत बदतमीज आदम, आप बड़ी गंदे बच्चे हो आप। मैं गाइस को दिखाती हूँ कि ये देखें इसने ये सारा क्या किया है यहाँ पर। पास्ता तो यहाँ पर बॉईल हो रहा है, लेकिन ये कि मैं इसका सॉस भी रेडी कर लेती हूँ। लेकिन आदम साहब मेरे सर पे चढ़ के जौन सा है ना अपना काम करवा रहे हैं। आप खुद कैसे बना सकते हैं सॉस बेबी? ऐसे ऐसे तो बिल्कुल करे, मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के मैं बना लूंगा। नहीं जनाब, इसका सॉस अब बनाते हैं हम। ऑयल मैंने ले लिया, इसमें पास्ता सॉस जाएगा। ये पाउडर है मेरे पास, वेजिटेबल्स का पाउडर है, ये थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं। और साथ में मैं इसमें चिकन किनोर क्यूब जो है वो ऐड कर लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें साथ थोड़ी सी थुन फिश भी एक उसका डाल दिया पूरा, एक टिन जो होता है ना। साथ आदम की भी बातें थोड़ी थोड़ी सी सुननी है मुझे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेनिश भी ऐड कर ली है, एटलीस्ट थोड़ा सा कोई पास्ता हेल्दी वे में चला जाएगा ना। इस तरह तो खाली पास्ता वो क्या मज़े का लगेगा। तो चलें इसको रेडी करके फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हाँ। मैं अब करती हूँ जी आदम के लिए एक प्लेट रेडी और आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखें जी,
ये खाना मुझे नहीं अच्छा, मेरे लिए तो लास्ट में इसके ऊपर जाएगा जी यम्मी सा चीज़, ये स्पेशल पास्ते का होता है। तो चलें, आदम की प्लेट है डन और आदम अब पास्ते को एंजॉय करेगा, बहुत वेट कर रहा है। ज़रा ज़रा चेक करें, इतने शौक से माशाल्लाह खाया जा रहा है कि साथ साथ अब क्या एंजॉय हो रहा है ये भी देखें। यहाँ पे साथ इसका फेवरेट ये ड्रामा भी चल रहा है, मोमो ड्रामा। मोमो ड्रामा है जी ये, बुलबुलें नहीं है मोमो है ये। यहाँ पे अचानक वाली जो पिज्जे की क्रेविंग हो गई है सबको, तो यह सब प्लान नहीं था। तो बस अभी करते हैं, खाते हैं पिज्जा और फिर साथ में बनाते हैं चाय और फिर आपसे नेक्स्ट शेयर करती हूँ। आप भी खाओगे? हाँ, ओके। वली का भी दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, वली ने कभी भी नहीं खाया, लेकिन देख वली हाथ आके कह रहा है मुझे भी दे दें, कोशिश करके लो। वीडियो बना ये मजाक तो नहीं। मैं अब बनाऊंगी जी इमली की चटनी और चने करते हैं स्टार्ट। आप भी देख रहे होंगे मैंने पैन में क्या डायरेक्ट बास्केट रखी हुई है, मेरे पास इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं थी कि इसको मैं सारा कैसे सेपरेट सेपरेट करती। तो ये रहा जी सबसे बेस्ट ऑप्शन, इसके होल्स थोड़े सारे खुले हैं, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं इसको ज़रा कंप्लीट निकाल लूँ सारा कुछ इसका, ये देखें। तो फिर मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ, फ्लेम को ऑन कर लिया मैंने और अब मैं इसमें डालूंगी जी थोड़ा सा गुड़। तो जनाब अब इसमें साथ ही मैं ये थोड़े से स्पाइसेस हैं ये ऐड कर लेती हूँ, इसमें जिंजर पाउडर है, रेगुलर सॉल्ट है, साथ में रोस्टेड क्यूमिन सीड्स हैं और थोड़ी सी अजवाइन है और रेड क्रश चिलीज जो हैं ये वाली। तो चलें इनको भी ऐड कर देते हैं, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ कि जो भी 4 दिन 6 दिन जो जितने दिन भी गुजर जाएंगे उतने से दिनों के बाद फिर मैं दोबारा से बना लूँगी जी। अब इसको करते हैं ज़रा थोड़ा मिक्स मिक्स, और आप मेरी आवाज़ से थोड़ा शायद मे भी आपको आइडिया हो रहा हो कि गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है, पता नहीं सबके गले क्यों ख़राब हो रहे हैं। हमने तो यही रिज़ल्ट निकाला है कि वैक्सीनेशन के बाद ना सभी लोग जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, वायरस लग रहे हैं सबको ज़्यादा, और बस इसी तरह ही चल रहा है मिक्स। अब मैंने यहाँ पर 3-4 खजूरें भी ली हैं, उनको भी मैं ग्राइंड करती हूँ और वो भी इसमें डालती हूँ। अब मैं इसमें खजूरों का पानी, पानी बन गया सारा, वो लिक्विड ही बन गया, अच्छी बात है, ताकि वो एक जैसा सही ज़बरदस्त जो है ना ज़बरदस्त चटनी रेडी होगा ज़बरदस्त इमली का सॉस रेडी हो जाएगा ना, इस तरह एक जैसा बिल्कुल प्लेन। ये जी सॉस को जितना भी थिक होना था ना ये हो गई है, और अब इसमें मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूँगी, इससे ज़रा थोड़ी सी ना मारून मारून अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी चटनी। इसको मिक्स करती हूँ, डायरेक्ट ही मैंने कलर डाला है, पानी में मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं डाला, ये देखें। लेकिन मुझे अभी थोड़ी रनी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा ये देखें कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ, फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये चेक करेंगे इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। अब ये रेडी डेडी है, एक दो काम इसमें और कर लेते हैं हम, क्योंकि मेरे पास ड्राई पुदीना पाउडर नहीं था, तो मैं इसमें थोड़े से ये जो मैंने चटनी बनाई थी उसके क्यूब्स ऐड करूँगी, लिटिल बिट इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा फॉर शाइन। तो चलें जी ये डन है, मैं अब फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ, और इसको मैं पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आऊँगी, फिर इसको मुझे नहीं पता किस में सेव करूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी, फिर थंबनेल में आपको मिल जाएगा किस में सेव किया था। ठीक हो गया जी, और आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारक हो, और फिर मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।